नमस्कार साथियों, आज जो गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस गीत को जिसे ग्रामीण बोलचाल की भाषा में सोहर कहते हैं, विवाह के समय घरों में महिलाओं द्वारा गाई जाती है। हालांकि मैंने इस सोहर गीत को आज से लगभग 47-48 साल पहले, जब मैं लगभग 12-13 वर्ष का था, अपने पिताजी से पहली बार सुनी थी। इस गीत को हमारे पिताजी अपने ससुराल यानी कि हमारे मामा घर में हारमोनियम बजाते हुए गा के सुनाए थे। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि मैं इस गीत को फिर कभी भूल पाया हूँ कि नहीं। यह गीत बेहद खूबसूरत एवं सरल है। प्रसंग ऐसा है इस गीत का कि सीता जी की 7 सहेलियां उनसे पूछ रही हैं कि सीता, तुमने ऐसा क्या व्रत या तप किया जिससे तुम्हें राम जैसा पति मिला? और सीता जी का जवाब इतना सहज और सरल और लाजवाब है कि आप भी इस गीत को निश्चित रूप से पसंद करेंगे। सीता जी के जीवन की सहजता और भाषा की सरलता ही इस गीत की खूबसूरती है। इस सोहर को, जिसे 12 मासे भी कहते हैं, कि रचयिता कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वे बेहद अच्छे रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो लीजिए, आप सबके लिए पेश है वही सोहर गीत। कि 7 सखी संग बैठे सिया संग पूछाई हो, ललना कौन बरत तप किन्हे, तरा में बर पाए हो। ललना कौन बरत तप किन्हे, तरा में बर पाए हो। तो सीता जी का जवाब सुन कि अषाढ़ मंदिर छवाय सावन कमरौढ़ाय, सावन कमरौढ़ाय हो। ललना भादोम छत्र तनाय, तरा में बर पाए ललना भादुम छत्र तनाय, तरा में वर पाए हो। क्वारम विप्र जेवाय कातिक दियन जलाय, कातिक दियन जलाय हो। ललना गहन अगिन तपाय, तरा में बर पाए हो। ललना गहन अगिन तपाय, तरा में बर पाए हो। पुसुम रुइया माघेम गैया के दान करे हो, पुसुम रुइया धुनाय माघेम गैया के दान करे हो। ललना फागुन रंग उड़ाय, तेरा में बर पाए ललना फागुन रंग उड़ाए, तरा में बर पाए हो। चैतम धुर्रा उड़ाए बैसाख पनिया भराए, बैसाख पनिया भराए हो।
ललना जेठ मन ही पहिराए तेरा में बर पाए हो। ललना जेठ मपन ही पहिराए तेरा में बर पाए हो। जो यह बारा मासी गावे गा के सुनावे गा के सुनावे हो। ललना जर अमर होई जावे परम पद पावे हो। ललना जर अमर होई जावे परम पद पावे।